हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज की जितनी भी शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज है सभी को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल चैनल है। सभी शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ें अपडेट कराई जाती है। तो आज की सभी लेटेस्ट अपडेट देखते हैं। आयोग को लेकर पहली लेटेस्ट न्यूज है, नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती पर फैसला जल्द। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अंजू कटियार परीक्षा नियंत्रक थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जमानत नहीं मिल पाई है। और नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती के लिए अब जल्द फैसला किया जाएगा। मुख्य सचिव ने आयोग के सचिव को बुलाकर ली जानकारी। पीसीएस अफसर नहीं हो रहे हैं तैयार, यानी कि पीसीएस अफसर भी परीक्षा नियंत्रक बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की गिरफ्तारी और निलंबन के बाद आयोग का कामकाज ठप होने का सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे ने आयोग के सचिव को बुलाकर पूरी स्थिति की जानकारी ली है। सरकार आयोग का कामकाज पटरी पर लाने की योजना पर काम चल रहा है। आयोग में अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी के बाद आयोग का कामकाज ठप हो गया है। परीक्षा कैलेंडर स्थगित होने से अभ्यर्थी परेशान है, उन्हें अपना भविष्य अधर में नजर आ रहा है। दूसरी ओर आयोग के कर्मचारियों ने 10 जून से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे रखी है। इधर सरकार एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बावजूद नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती नहीं कर पा रहा है। परीक्षा नियंत्रक का पद पीसीएस संवर्ग का है। बताया जा रहा है कि आयोग की लगातार विवादास्पद छवि के मद्देनजर कोई अधिकारी परीक्षा नियंत्रक के रूप में जाने को तैयार नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि इतने बड़ा घोटाला होने के बाद, पेपर लीक मामले के होने के बाद, पीसीएस अधिकारी कोई भी परीक्षा नियंत्रक बनने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। और आयोग के खिलाफ आंदोलन में गिरफ्तार 8 छात्र नेता रिहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में गिरफ्तार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आंदोलनकारी छात्र शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे रिहा हो गए हैं। भर्ती परीक्षा में धांधली का विरोध करने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष उदय प्रकाश यादव, अखिलेश गुप्ता आदि को भ्रष्टाचार के खात्मे तक के लिए जेल में भेज दिया गया था और अब उनको रिहा कर दिया गया है। आयोग के सचिव को हटाने के लिए सीएम का पत्र। आरोप, लोक सेवा आयोग में व्यक्त भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं सचिव, जांच की मांग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सचिव पर सेवा नियमावली के खिलाफ काम करने का प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है। कहा है कि आयोग के सचिव भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार परीक्षा नियंत्रक के समर्थन में चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन को राज्य की सेवा नियमावली के खिलाफ समर्थन दे रहे हैं। समिति के अविनीश पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सचिव को तत्काल आयोग से हटाने की मांग की है। और कर्मचारियों ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी के खिलाफ आयोग के कर्मचारी अधिकारी संघ का आंदोलन लगातार 8वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। संघ ने राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा है। दिल्ली में यूपीपीएससी के खिलाफ आंदोलन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में व्यक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शुक्रवार को प्रतियोगी छात्रों ने दिल्ली में शांतिपुर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में मुखर्जी नगर के गांधी विहार से बत्रा सिनेमा हॉल के बीच छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने स्वच्छ आयोग अभियान चलाया। आयोग के खिलाफ कैंडल मार्च 9 जून को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पेपर लीक व धांधली के खिलाफ प्रतियोगी छात्र 9 जून को शाम 6 बजे बैंक रोड से बालसन चौराहे तक कैंडल मार्च निकालेंगे। और गलत बयानी में मजीदिया के शिक्षक ने माफ़ी मांगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में गलत बयान देकर फंसे मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज के शिक्षक इमरान खान पामाल ने आयोग के सचिव को शपथ पत्र देकर माफ़ी मांगी है। शपथ पत्र में शिक्षक इमरान ने लिखा है कि मार्च 2019 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में वह बतौर कक्ष निरीक्षक ड्यूटी कर रहा था। उसी समय कुछ अभ्यर्थियों ने वो मार्कशीट खाली छोड़ दिए थे। इस प्रकरण में 3 जून को उन्होंने गलत बयान दिया जिसमें वे फंस गए थे और अब उसको गलत मानते हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है। एलटी ग्रेड परीक्षा के शेष विषयों का परिणाम जल्द जारी किया जाए। राज्य के इंटर कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा पर धरना प्रदर्शन कर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की। एलटी ग्रेड समर्थन मोर्चे के बैनर तले परीक्षार्थियों के सभी विषयों का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाए। 5 परीक्षार्थियों का प्रतिमंडल अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में मीडिया प्रभारी सुरेंद्र उपाध्याय से मिले। इस दौरान मीडिया प्रभारी ने आश्वस्त किया कि शेष विषयों का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। इस दौरान शमशेर आदि छात्र मौजूद रहे। और
और बीएड में प्रवेश नहीं ले सके हजारों अभ्यर्थी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नहीं आया रिजल्ट, कई विश्वविद्यालयों ने अब तक जारी नहीं किया मुख्य परीक्षा का परिणाम, राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में 16 विश्वविद्यालयों के छात्र छात्र हुए थे शामिल। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अब तक रिजल्ट घोषित न होने के कारण हजारों छात्र छात्राएं बीएड में प्रवेश नहीं ले सके। स्नातक अंतिम वर्ष के साथ ही इन छात्र छात्राओं ने बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किया था, बीएड में उन्हें अच्छी रैंकिंग मिल गई है, लेकिन विश्वविद्यालय की परीक्षा का परिणाम घोषित न होने से उनका प्रवेश लटक गया है। रिजल्ट घोषित भी हो जाए लेकिन अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल। बीएड का काउंसलिंग का अभी पहला चरण चल रहा है, 18 जून को दूसरा चरण और फिर जुलाई में फुल काउंसलिंग होगी। इस बीच पर विश्वविद्यालय में अगर परीक्षा परिणाम जारी भी कर देगा तो छात्र छात्राओं को लाभ नहीं मिल सकेगा। और 41,000 से ऊपर पहुंची पंजीकरण का आंकड़ा। बृहस्पतिवार को शाम 5:30 बजे तक 19,750 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक संख्या 41,000 के पार पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ हमने आपको अपडेट करा दी है। और विश्वविद्यालय के 5,000 से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर, आज रिजल्ट नहीं आया तो बीएड काउंसलिंग के लिए नहीं करा पाएंगे रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।